कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज ज्वाली में लोक निर्माण विश्राम गृह में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में विभागीय अधिकारियों को चालू वित्त वर्ष की लक्षित सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि के अलावा अतिरिक्त बजट की मांग के मामलों को तुरंत उच्च अधिकारियों को भेजने के भी निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्यों को जारी रखने के लिए विशेष बजट की व्यवस्था करवाई जा सके। चंद्र कुमार ने बताया कि आपदा से प्रभावित परिवार के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। उन्होंने प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत राशि के लंबित मामलों के जल्द निपटारे के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बिजली की समस्या वाले क्षेत्रों में RDSS और पूंजीगत व्यय के तहत 47 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जबकि 25 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इन कार्यों पर लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मार्च के बाद नया बजट आ जाएगा, इसलिए एक बैठक जो है वो भिन्न भिन्न विभागों के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वहाँ इरीगेशन पब्लिक हेल्थ के फॉरेस्ट के और वीडियो साहिबान के साथ की है कि आपके बजट की कितनी देन रहती है और जो हमारे वर्ष पेंड पड़े हुए हैं उनके लिए कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, ताकि उनको हम टाइम के ऊपर कंप्लीट कर देंगे। सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली थी कि बिना किसी देरी के हमें 1-1 लाख रुपया, या किसी का डंगा चला गया घर का, कोई जमीन का डंगा चला गया, 1-1 लाख रुपया दे के तुरंत उसको राहत प्रदान की जाएगी।